इमेज तो होना चाहिए, मुझे लगता है हर आदमी का एक इमेज बहुत जरूरी है, और जिस तरह का उसका मार्केट बन जाता है, जिस तरह का उसका टोन का इस्तेमाल होता है गानों में, तो वो इमेज आना बहुत ज़रूरी है। कन्फ्यूज सिंगिंग तो करने की ज़रूरत ही नहीं है कि ये भी गा लेते हैं, वो भी गा लेते हैं, वो भी गा लेते हैं, इतना सारा कैसे गा लोगे। एक पर्सन एक स्टाइल में अपने अपने को उतार पाए और साबित कर पाए, ये बहुत बड़ी बात होती है। तो मुझे लगता है हर पर्सन का अपना जोनर होता है, उस जोनर में उसको अच्छा ग्रिप में रहना चाहिए, लोगों को वही चाहिए होता है। फिर भी आज के दौर में क्या समझते हैं कि कितना ज़्यादा अपॉर्चुनिटी, मतलब रियलिटी शोज़ हैं, इतने सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पे रियलिटी शो आ रहे हैं, मतलब बहुत कुछ चेंज हुआ है पिछले वन डेकेड में, तो क्या कहना चाहेंगे कितना ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हुआ है नए सिंगर्स के लिए? अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है, लेकिन ड्यूरेशन बहुत छोटा हो गया है। बहुत तेज़ी से स्टार्ट आता है, बहुत तेज़ी से गायब हो जाता है। मुझे लगता है कि जो भी सिंगर, अगर ये अवसर उसे मिल रहा है, ये मौका मिल रहा है कुछ करने का, तो जल्द से जल्द उसमें लगातार कुछ अच्छा करने की कोशिश में रहे कि वो बना रहे, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाती है कि बात निकल जाती है, रातों रात आता है स्टार्टअप, रातों रात निकल जाता है। तो जितनी आसानी से चीज़ें आ रही हैं उतनी ही तेज़ी से चली भी जा रही है, तो वो ना हो। और कोई एक यादगार गाना गाने से क्या हेल्प आउट होता है फ्यूचर में सिंगर्स को करियर में? क्योंकि क्या होता है कि अगर एक गाना हिट होता है फिर भी उस चीज़ की गारंटी नहीं रहती कि आगे आपको काम मिलेगा या आपका गाना सक्सेसफुल होगा, वो चीज़ कितना ज़्यादा शेयर करता है कि सिंगर्स? हमारे फील्ड में ये बहुत खेल है, एक हिट आ गया तो ज़रूरी ये नहीं है कि लगातार हिट आता रहे, लेकिन मुझे लगता है कि अगर आपने बहुत समय दिया है इस काम को, तो 8-10 हिट तो आप देंगे ही, कहीं गया नहीं है, क्योंकि इतनी जर्नी आपने की है कि इतनी तेज़ी से जाने नहीं दोगे। तो मुझे लगता है कि आपका संघर्ष ही आपका ड्यूरेशन बनता है, कि आप जितना पीछे से संघर्ष आपने किया होता है, अपना समय दिया होता है, तो जब आप आते हैं तो एक ठहराव के साथ आते हैं, लेकिन अगर फिर वही बोलूँगा कि तेज़ी से आते हैं तो तेज़ी से चले भी जाते हैं, और एक गाना आने के बाद दूसरे गाने की गारंटी किसी के भी नहीं है, लेकिन अगर आ रहा है तो मुझे लगता है जो सुनने वाले लोग हैं, श्रोताओं को धन्यवाद दूंगा कि आप मुझे सुनते हो, और ऊपर वाले को थैंक्स बोलूंगा। मेजर प्रोजेक्ट है आपका लाल कप्तान, क्या कहना चाहेंगे, क्या सिचुएशनल गाना है ये, क्या डिफरेंट है इस गाने में, और कितना ज़्यादा लोग को आकर्षित करेगा जब ये पर्दे पे आएगी गाना? लाल कप्तान एक वैसे ही बहुत ही डिफरेंट स्टोरी है, जो मुझे लग रहा है आज तक तो नहीं आया, अभी तक नहीं आया। लाल कप्तान सैफ अली सर की एक डिफरेंट रोल है, बहुत ही अलग कैरेक्टर है, मैं तो देख के हैरान हो गया था जब इसका लुक देखा था मैंने, और जब मुझे बोला गया कि ऐसा कुछ गाना है, तो मैं सच बोलूं तो मैं यही सोच के गा रहा था कि मैं कोई शिव तांडव गा रहा हूं, कोई चल रहा है ये तांडव जैसा ही कुछ एक फील है गाने का, और डार्क नहीं है, बहुत ही एक वीरता के साथ उसको गाया गया है। तो बाकी आप सुन के बताएंगे कैसा लग रहा है, बाकी अपनी अपनी हर चीज़ हम अपना बेस्ट देना चाहते हैं, बाकी आप पे डिपेंड करता है कि कैसा लगे क्या नहीं। सर पहले तो आपके बैकग्राउंड के बारे में जानना चाहूँगा कि कहाँ से आपने ये जर्नी शुरू हुआ, कि मतलब एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में अभी प्रोड्यूस कर रहे हैं और एक्ट भी कर रहे हैं, तो थोड़ा सा अपना शुरुआती दौर बताइए पहले तो। सर एक्चुअली मैं यूपी से हूँ, सर मेरा नाम डब्लू खान है, यूपी के एक शहर मुरादाबाद वहाँ से हूँ। अच्छा। मैं जब आया था तो 2007 में मैं आया था,
आने के बाद जैसा आप लोग सब जानते हैं, स्ट्रगल आप करते हो, घूमते हो, ऑडिशन देते हो, ये सब मेरा थोड़ा सा अच्छा था। मेरे रिलेशन कुछ दोस्तों के साथ में अच्छे थे, तो मैंने पहले टीवी सीरियल आता था सात फेरे जी टीवी पे, तो मुझे फर्स्ट टाइम उसमें ब्रेक मिला था। उसके बाद एक मूवी आई थी एडमिशन ओपन, वो रिलीज हुई थी, उसमें मिला था। उसके बाद मैं पाँच साल कुछ काम नहीं किया, वो स्ट्रगल पीरियड चलता रहा। फिर मैंने, जैसे कि आप लोग सब जानते हैं आज के डेट में, कि आज अब सबके पास प्लेटफॉर्म है अपने आप को साबित करने के लिए, अपने आप को बताने के लिए। एक टाइम था कि हमें ऑडिशंस के लिए डायरेक्टर्स के पास, सबके पास जाना पड़ता था, अभी भी जाना पड़ता है, आपको अपनी काबिलियत तो साबित करनी ही पड़ेगी। लेकिन आज की, अगर आप कुछ करना चाहते हो तो यूट्यूब पर आपके लिए बहुत कुछ हो रहा है आज, आज वेब सीरीज बन रहा है वो यूट्यूब पर देख रहे हैं लोग, आज म्यूज़िक वीडियो है तो लोग यूट्यूब पर देख रहे हैं। तो मैंने एक गाना प्लान किया था, जो मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले, मौला मेरे मौला, तो उसको प्रोड्यूस भी किया था और उसका डायरेक्शन भी किया था, वो गाना रिलीज़ भी हुआ लंदन में, वो अच्छे लेवल पे कामयाब भी हुआ। फिर मेरे मन में आया कि मैं कुछ अलग करूं, जैसे कि आप देख रहे हैं आजकल गाने जो आ रहे, जैसे बादशाह के सॉन्ग आते हैं, रफ्तार के आते हैं, या और भी बड़े बड़े सिंगर हैं, सब रैप सॉन्ग चल रहे हैं आजकल, ज़माना ही वैसे चल रहा है। तो मैंने मेरे म्यूज़िक डायरेक्टर्स की टीम को, राइटर को बोला कि मुझे कुछ इस टाइप का गाना इस टाइम करना, तो उन्होंने फिर बताया कि चलो करते हैं। वो गाना लिखा गया, फाइनली स्क्रेच उसका शबाब आदमी ने ही किया था जो गाया था। उसके बाद ये ब्रजेश भाई जो सिंगर है, अभी इनके, अभी आपने देखा इनका अभी केसरी मूवी में गाना आया था, वो भी अच्छा था, एक वो तनुवेट्स मनु। तो मुझे गाने याद थे लेकिन नाम मतलब, लेकिन इनके एक फ्रेंड है अरफात महमूद जो अलहमदिल्ला अच्छा काम कर रहे हैं, उन्होंने सजेस्ट किया, ब्रजेश भाई को गाना भेजा, ब्रजेश भाई ने बोला ओके मैं करूँगा, उनको गाना बहुत अच्छा लगा और फाइनली वो आज गाने को डब करने वाले हैं, गाना हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। अभी स्टार्ट होने के बाद, रिलीज होने के बाद आप लोगों को अलहमदिल्ला कैसा लगता है उसके बाद ही पता चलेगा, आपको अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा। लेकिन हम लोग पूरी मेहनत करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे इस गाने को आगे तक कामयाब करें और ये गाना हिट होगा जरूर, मेरा दिल कहता है। तो आज के रिकॉर्डिंग के बारे में, ब्रजेश जी मतलब काफी मशहूर गाना गा चुके हैं, काफी हिट गाने दे चुके हैं, तो क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का सिचुएशन होगा, क्या ये गाना है उसके बारे में? देखिए ब्रजेश जी के बारे में बताऊं कि ब्रजेश जी मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं, बहुत काफ़ी पुरानी हमारी पहचान है, और ये गाना जब हम लोगों ने बनाया तो काफ़ी हम लोगों ने सोचा कि किसको बेहतर कौन गा सकता है, तो एक ही आवाज़ मुझे, हाँ, मुझे नज़र आई ब्रजेश शांडिल्या की। तो उसके बाद मैंने अपने डीके जो हमारे फ्रेंड हैं जिनका ये मॉडल भी हैं और प्रोड्यूसर भी हैं, उनको जब मैंने सुनाया उन्होंने कहा कि नहीं ये बेहतर ऑप्शन है, तो इनको ही आप बात कीजिए। तो मैंने फ़ोन किया ब्रजेश भाई को और उनको बोला कि ब्रजेश भाई ऐसा ऐसा है कि आप बता देख लीजिए, उन्होंने सुना, उन्हें काफ़ी अच्छा लगा, उन्होंने कहा यार इसकी सिग्नेचर बहुत अच्छी है और ऊपर हमारे ने चाहा तो यार इससे भी हम एक झंडा गाड़ देंगे, और जैसा कि कहूँ कि ये जमील साहब हैं, दिल साइडन हैं इस गाने के, और एक और जो आज अभी हैं नहीं यहाँ पर मौजूद, शैलेंद्र शर्मा जी हैं, जो उन्होंने भी बहुत खूब मिल के दोनों ने बहुत अच्छा गाना लिखा हुआ है और जिसको डीके साहब ने पसंद किया। और गाने का बोल कुछ तो बड़ी कमी नहीं थी, ये हुक लाइन है और गाना बहुत ही अच्छा हो गया, तो सिंगिंग हो रही है और गाना बहुत अच्छा है, तो शबाब साहब ने बहुत अच्छा कंपोज किया गाना, अब आने में पता चलेगा कि पब्लिक में क्या होता है। गाना खुद से प्रोड्यूस भी कर रहे हैं, एक्ट भी कर रहे हैं, सर यहाँ देखिए प्लीज़, मौका दिया है और हो सकता है मैं जमाने से आता गाना भी नया। सर आप बताइए कैसे जुड़े अपना? सर ये गाना तो एक बहुत अच्छा गाना है, ठीक है, तो गाना का पीछे समीर सर, बाकी भी सर बहुत ही मेहनत किए गाने को, तो मैं उम्मीद करता हूँ ये गाना रिलीज होने के बाद ऑडियंस से अच्छा रिस्पॉन्स मिले।